तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी का महामहोत्सव आने वाला है, गणेश जी के दिन चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश जी की एक ड्राइंग की जाए। तो आज हम गणेश जी की ड्राइंग करेंगे ये वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर ग्रेड को बनाऊंगा। ग्रेड को बनाने के लिए यहाँ पर हमें आप सभी को पता ही है 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट 2-2 सेंटीमीटर की मार्किंग करूंगा, ऊपर की साइड भी लेफ्ट टू राइट मार्किंग करूंगा। तो ऐसे सभी डॉट्स को बनाने के बाद इनको करेंगे ज्वाइंट। इन सभी डॉट को ज्वाइंट करेंगे यहां पर। तो फटाफट से इनको ज्वाइंट करते हैं और इनको ज्वाइंट करते ही हमारे यहां पर कॉलम्स बनकर रेडी हो जाएंगे। यहां पर बारी है अभी रोज को बनाने के लिए, रोज वाले जो ग्रिड है उनको बनाने के। तो यहां पर मैं ऊपर से नीचे की ओर 2-2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रहा हूं। सेम राइट साइड भी ऊपर से नीचे 2-2 सेंटीमीटर की मार्किंग करूंगा। अभी इन डॉट्स को भी हम ज्वाइंट करेंगे आपस में। तो करते हैं इनको ज्वाइंट और बनाते बॉक्सेस ग्रिड। तो फटाफट से इनको ज्वाइंट कर देता हूं मैं। तो ये लास्ट लाइन और ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पर हमारा ग्रिड बनकर रेडी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड मार्किंग कर लूँगा कितने बॉक्सेस है और नीचे की साइड कितने बॉक्सेस है, सबको यहाँ पर मार्क कर लूँगा। तो अभी बारी है देखना है कौन से बॉक्स में से हमारी ड्राइंग स्टार्ट करनी है। जिस भी पोर्शन से हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी है सेम उसी बॉक्स को यहाँ पर हमें ग्रिड में ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरी ड्राइंग स्टार्ट होती है 5th कॉलम और 4th रो से, तो उसी बॉक्स में से हमें ड्राइंग करनी स्टार्ट करनी है। तो जिस बॉक्स में जो भी पोर्शन होगा उसी को ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो यही ग्रिड मेथड का फंडा है, यही इसका मेथड है। यहाँ पर डिटेलिंग वाला काम बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करके यहाँ पर आउटलाइन को करना है। तो बस और कुछ बोलने को तो है नहीं गाइस इसमें। तो बस ऐसे ही हमें जिस बॉक्स में जो भी पोर्शन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करके हमारे ग्रिड में बनाना है। तो फटाफट से मैं करता हूँ आउटलाइन को। मैं यहाँ पर आउटलाइन को डार्क रख रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी है। लेकिन आप जब भी ड्राइंग करते हो तो आउटलाइन को डार्क नहीं करना है, उसको सबसे छोटे ग्रेड वाली पेंसिल के साथ बनाना है, जिससे कि बाद में हमें ड्राइंग करने में आसानी होगी। बिकॉज जब भी हम शेडिंग करते हैं तो बाद में उसमें लाइंस दिखती रहती है। दूसरी वाली ड्राइंग को मैं बिल्कुल रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। यहाँ पर बैकग्राउंड में बिल्कुल ब्लैक और यहाँ पर जो लाइट के इफेक्ट्स हैं उनको भी बनाऊंगा मैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ड्राइंग में। यहाँ पर गणेश जी का ये वाला खाली लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसमें लड्डू बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लड्डू को बना दिया गणेश जी के हाथ में, जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ड्राइंग हमारी बनकर रेडी है गाइस। बाकी की ड्राइंग हम अगले पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में हम इसमें कलर और शेडिंग वगैरह करेंगे, तो अगला पार्ट जरूर देखना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।